हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल काजल की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत जल्दी में हो और कोई भी सब्जी समझ ना आए तो झटपट पनीर भुर्जी बनाएं, क्योंकि पनीर भुर्जी सबको अच्छी लगती है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। जीरा भुन गया है, अब मैं इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ और इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। प्याज भुन गए हैं, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं और इनका बीज निकाल लिया है, इन्हें बारीक काट लिया है, इन्हें भी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसे हम मिक्स करके 1 मिनट तक मसालों के साथ पका लेंगे। मसाले में से तेल अलग होने लग गया है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे मसाले में डालकर मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है, अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसे लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे पाव, पराठा या तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी स्वादिष्ट है। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ।